राजस्थान में मिली बड़ी हार के बाद, बेटे की हार के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी ज्यादा परेशान है और उन्होंने अपने ही बयानों को लेकर एक और सफाई वाला बयान पेश किया है। जी हाँ, बीते बुधवार को ट्विटर पर उन्होंने अपने पुराने बयानों पर अपनी गलतियों को मिटाने की कोशिश की है, अपने बयानों को बदलने की कोशिश की है। जी हाँ, याद दिलाना चाहेंगे आपको, अशोक गहलोत के एक स्टेटमेंट के सामने आने के बाद ये बातें खूब हुई कि अशोक अपने बेटे की हार की पूरी जिम्मेदारी सचिन पायलट पर थोप कर वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री यानी कि सचिन पायलट पर उनका तंज कसना, कहीं ना कहीं उनका एक डर है कि कुर्सी न छिन जाए उनके हाथ से, और इसलिए अशोक गहलोत ने फिर से बुधवार को एक पोस्ट किया और जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि उन्होंने सचिन को लेकर जो कहा था उसे लेकर वो थोड़े परेशान हैं और लोग इसे गलत समझ रहे हैं, यही समझाने की अशोक गहलोत ने कोशिश की है। नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं तृप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ ये नई अपडेट, जिसमें हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कहा सचिन पायलट को लेकर, जिसके बाद काफी ज्यादा राजस्थान कांग्रेस में हंगामा मचा और सचिन पायलट के पक्ष में ही पूरा का पूरा हंगामा सामने आ गया। जी हाँ, दरअसल वैभव की हार पर सचिन पायलट को लेकर नाम बिना लिए हुए अशोक गहलोत ने ये कहा था कि इसकी जिम्मेदारी CM और CPP दोनों को ही लेनी चाहिए, और ऐसे में सचिन पायलट का नाम भी सामने आया। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि सचिन पायलट ने स्टेटमेंट दे दिया है कि इस हार की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने सिर पर ली है, लेकिन उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इस गलती का पता लगाएंगे, कहां गलती हुई जिसकी वजह से उम्मीदों से बाहर परिणाम सामने आया, बिल्कुल उलट फेर ही हो गया। जी हाँ, निराशाजनक परिणाम को लेकर सचिन पहले से ही परेशान थे, तो वहीं माफी अदा करते हुए अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में बताया सचिन पायलट को लेकर इस तरह से सफाई देते हुए कि उन्होंने सचिन पायलट को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोगों की नाराजगी सामने आ जाए। जी हाँ, ट्विटर के जरिए उन्होंने बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी की हार की जिम्मेदारी सबको इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीदें जताई थी और लोगों ने उनका साथ दिया था, उनके बेटे का साथ दिया था। तो वहीं सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत का कहना था कि जोधपुर में उनके बेटे की हार की जिम्मेदारी सचिन को भी लेनी चाहिए। अशोक गहलोत के स्टेटमेंट के सामने आने के बाद हर किसी के जहन पर एक ही सवाल था कि अशोक ने सचिन का नाम क्यों लिया। कहीं ना कहीं सचिन को लेकर जो नेताओं में एक खास जगह बन गई है कि उन्हें एक अब बड़ा जिम्मा मिलना चाहिए, ऐसे में अशोक परेशान है अपनी कुर्सी को लेकर। अब अशोक गहलोत का सफाई वाला बयान सामने आना करता है इशारा कि अशोक गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने की ओर पे छुड़ गए हैं। वैसे आपको बता दें, राज्य के 2 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां पर फेरबदल होने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। खबरें हैं कि नागौर और मांडवा में जो कि उपचुनाव होने वाले हैं उसे लेकर दोनों ही सीटें जो कि हनुमान बेनीवाल और नरेंद्र कुमार के लिए लोकसभा चुनाव में खाली होने को लेकर, चुने जाने के बाद खाली हुई है इस पर। अब देखना होगा यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से ताकत की लड़ाई करती है, यहाँ पर एक नई उम्मीद जताती है जीत की। देखना होगा क्या फैसला आता है, किस तरह से कांग्रेस राजस्थान में गिरती सत्ता को बचाती है। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, देखते रहें आप हर खबर हमारे चैनल SPN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।